जी और आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं सतरेंगा, जो कि कोरबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और बहुत ही अच्छा जगह है, पिकनिक स्पॉट है वहाँ। तो चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज का वीडियो और बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। ऐसा लग रहा है जैसे गांव पहाड़ के गोद में बसा हुआ है। अरे ऐसा नजारा है, देख सकते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीचे गांव और ग्रामीण क्षेत्र को दिखाता हूँ। ये देखिए ऐसे ही कच्ची मकाने हैं यहाँ, क्या मस्त बांस का ही बनाया गया है। हम लोग यहाँ से गाड़ी पार्किंग का शुल्क हम लोग को 20 रुपया और 3 पहिया का 30 रुपया, 4 पहिया अभी कर दिया है 50 रुपया। और ये COVID-19 का नो मास्क नो एंट्री ये आपका दिया गया है। और ये देख सकते हैं आप सतरेंगा विकास समिति, इधर महादेव पर्वत है और उसके बाद में आपका पिकनिक स्पॉट भी है और आपका बोटिंग भी मिलेगा इधर। और इस साइड जाएंगे हम लोग तो मिलेगा हम लोग को सेल्फी जोन। तो दोस्तों अभी हम लोग जाएंगे इस साइड और ये देख सकते हैं आप लोग महादेव पर्वत, देखिए कैसे बहुत ऊंचा लुभावन भी लग रहा है, बहुत बढ़िया। तो बढ़ते हैं अब आगे की तरफ, ऐसा कुछ बना हुआ है, सौर ऊर्जा चलित सोलर ड्यूल पंप भी है। और ये आपका दूरी दिया गया है प्रमुख शहरों से और देखिए कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, कितनी दूरी है जिला मुख्यालय कोरबा से, 40 किलोमीटर की दूरी लिखा हुआ है इसमें। और ये हम लोग का चाइनीज व्यंजन सबका लुत्फ उठा सकते हैं, छत्तीसगढ़ी व्यंजन है वहाँ, दक्षिण भारतीय व्यंजन। और देखिए लड़का चेहरा चमका रहा है, करिया हो गया था आते हुए, इसका भी चैनल है द टेक बॉस। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं सतरेंगा पर्यटन स्थल और यहाँ पिकनिक स्पॉट भी है। तो हम लोग चलते हैं अब आगे की तरफ और आपको दिखाते हैं। और हम लोग जा रहे हैं सतरेंगा बोट क्लब एंड रिसोर्ट में और यहाँ कितना लिया जाता है चार्ज पता करेंगे, लिखा हुआ तो है 20 रुपया, 20 रुपया शुल्क। अरे 4 लोग का टिकट है ये। चलते हैं अब आगे की तरफ, जा रहे हैं अंदर, अंदर का कुछ नज़ारा ऐसा है। हम लोग के सामने है पार्क बच्चे लोग के लिए, जहाँ भी जाते हैं बच्चे लोग के लिए फर्स्ट ध्यान में रख करके पार्क को बनाया जाता है लग रहा है। और ये है यहाँ आप जॉगिंग कर सकते हैं। चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं उधर क्या है। मैं भी पहली बार आया हूँ यहाँ घूमने के लिए, तो देखेंगे बोटिंग वहाँ का क्या रेट है, मोटर बोट का।
हम लोग बरसात के समय में आए हुए हैं, तो पूरा ये डूबा हुआ है अभी, तो हम लोग आगे नहीं जा पाएंगे, आप लोग को नहीं दिखा पाएंगे। ऐसा है कुछ। और सामने दिख रहा है छत्तीसगढ़ का सुआ नाच जो करते हैं, वो अंकित है सभी दीवालों में, वो सब छत्तीसगढ़ के चिन्हारी। और ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत नजारा है ये। तो दोस्तों, ये सतरेंगा जो है घूमने की दृष्टि से बहुत ही सुंदर जगह है, तो आप लोग भी आइए घूमने के लिए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको यहाँ। और प्राकृतिक नज़ारा आप उसका मज़ा ले सकते हैं। डैम देखे, समुद्र टाइप का लग रहा है, तो बहुत ही सुंदर है। और यहाँ से हम लोग बोटिंग के लिए जाएंगे, तो रेट है आपका पर हेड 400 रुपया, जो बहुत ही महंगा है। और यह सतरेंगा का पिकनिक स्पॉट, देखिए सब पिकनिक मना रहे हैं। और संडे को क्या है कि ज़्यादा भीड़ रहता है, छुट्टी का दिन रहता है, इसलिए और ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं। तो देखिए क्या सुंदर नज़ारा है। अरे मछली, जिंदा मछली की मरा हुआ, बोट आप इसमें 50 रुपया दे करके लुप्त उठा सकते हैं इस बोटिंग का। देख सकते हैं लाइन बाय लाइन लगा हुआ है। अरे है हेलीपैड, हेलीकॉप्टर उतरता है यहाँ। और मेरे पीछे है महादेव पर्वत। देख सकते हैं नज़ारा यहाँ कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से, सुबह तो और बहुत बढ़िया लगेगा। और हम लोग जा रहे हैं सेल्फी पॉइंट। तो दोस्तों, हमारा ये सेल्फी पॉइंट
बंद है अभी, तो हम आप लोग को बाहर से ही दिखा देंगे आपको इसका नज़ारा। और दोस्तों आज के वीडियो का अंत हम लोग यहीं करते हैं। अच्छी लगी हो लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल पे नए हैं तो। तब तक के लिए दोस्तों लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।